अस्सलामुअलैकुम मम्मी कुकिंग रेसिपीज में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जो है मैं पूरा से आऊँगी मज़ेदार से जो है चटपटी सी मूंग की दाल की खिचड़ी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कप हमने चावल ले लिए हैं और एक कप जो है हमारे पास यहाँ पे मूंग की दाल है। एक अदद प्याज इनको इस तरीके से जो हमने चॉप कर लिया है। यहाँ पे बड़ी वाली हरी मिर्ची है हमारे पास दो अदद, इनको इस तरीके से जो हमने चॉप कर लिया है। टमाटर है हमारे पास एक अदद, इनको इस तरीके से हमने चॉप कर लिया है। यहाँ पर हरी मिर्चें हैं हमारे पास 5 से 6 अदद, सही है भी। और यहाँ पे हमारे पास है हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च है और 4 अदद जो है यहाँ पे साबुत मिर्चें ले लिए हमने। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट, गरम मसाले 2 अदद, तेज़पत्ता हमारे पास हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे हमने जो है काली मिर्च ले ली है और यहाँ पे दालचीनी भी रखनी है हमारे पास 1 अदद और जो है लौंग है हमारे पास 2 से 3 अदद और नमक लेंगे वैसे ज़रूरत। तो जी सबसे पहले हाफ कप ऑयल रख देंगे। अब इसके अंदर हम प्याज रख देंगे, इनको फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ इसके अंदर हम अपने सारे खड़े गरम मसाले रख देंगे। इसके साथ जो है हमने यहाँ पे ज़ीरा भी ले लिया हाफ़ टी स्पून, इसको कर लेंगे मिक्स। ये देखिए जी हमने इसको 2 मिनट तक जो फ्राई कर लिया था, आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन सा तो है इसके अंदर कलर आ चुका है। अब इसके अंदर जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसी के साथ इसके ना हरी मिर्च ऐड कर देंगे छोटी वाली और टमाटर ऐड कर देंगे, इनको कर लेंगे मिक्स और इनको करेंगे हम फ्राई। ये देखिए जी 5 मिनट तक जो है हमने इसको पका लिया था। टमाटर देखें हमारे सॉफ्ट से जो है हो चुके हैं। अब इसके ना हम अपने मसाले ऐड कर देंगे और इनको कर लेंगे मिक्स। ये देखिए जी हमने इसको 5 मिनट तक जो पका लिया था। इसके ना हम नमक ऐड कर देंगे, नमक ऐड करेंगे, इनको कर लेंगे मिक्स। अब इसके अंदर जो हम चावल ऐड कर देंगे, चावल और मूंग की दाल इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसी के साथ इसके अंदर हम 2 गिलास पानी भी ऐड कर देंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो आप ज़्यादा भी जो ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम 10 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए जी इसको हमने 10 मिनट तक पका लिया था। पकाने के बाद हमने इसको 10 मिनट तक के लिए दम पर रख दिया था। अब इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो ये बिल्कुल रेडी है, सब हम निकाल लेंगे। तो देखिए जी हमारे मज़ा से जो है ये चटपटी सी मूंग की दाल की खिचड़ी जो है बिल्कुल रेडी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो उस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।